वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो सुबह हो गई है तो अब हम निकलेंगे दरबार के लिए। हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, व्यू चेक करो। बाहर पहाड़ी पर बर्फ पड़ी हुई है। हमने इस पहाड़ के पीछे जाना है। जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी। ये है मार्केट, अभी हम जा रहे हैं सीधे। यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे मिलेगा अड्डे पे हमें फोर्स टेम्पो, उसमें बैठ के हम आधे रास्ते तक जाएंगे। मौसम भी ठंडा है। अरे जल्दी करो, जानू कहाँ है? उधर धूप चढ़ी हुई है और बर्फ भी पड़ी हुई है पहाड़ी पे। हमने यहाँ से गाड़ी पे जाना है, ये पहाड़ पहाड़ क्रॉस कर करके जाना है हमने। वो ऊपर रास्ता जो है वो मिंदल की तरफ जाता है। चलते हुए और जल्दी जल्दी पियो, जल्दी जल्दी। सो अभी यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ से लेंगे हम टेम्पू जो हमें एक डेढ़ घंटे में ऊपर पहुँचाएगा, उसके बाद हम वॉक करना स्टार्ट करेंगे। मंडली पूरी खड़ी हुई है, गाड़ी का वेट कर दो। सो गाइस, फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी में बैठ के अब जहाँ से जाना है हमने कुंडेल तक, और बाहर का नज़ारा बड़ा ख़तरनाक सा है क्योंकि इस वक्त लैंडस्लाइडिंग भी हुई है बहुत सारी। ये चेक करो भाई, बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर बहुत ज़्यादा, और बाहर का मौसम भी ख़तरनाक सा है। सो कुंडेल तक जाएंगे हम गाड़ी में बैठ के। आगे से फिर से वॉक करते हुए जाना है हमने भाई। नीचे दरिया ऐसा लगता है कि भाई पूरा का पूरा ही काट दिया है सामने से भाई। ये चक्कर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यार लैंड स्लाइडिंग हुई है, एक ही गाड़ी जाने की जगह है। वाह, तो फाइल नहीं, हम अब हमारी बारी निकलने की यहाँ से। रास्ता लगता है कि बह ही गया पूरा का पूरा। ओ भाई साहब, वाटरफॉल लगता है, रोड पूरी बह गई है, इतने बारिश हुई यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे हमारी गाड़ी अभी रुकी है, अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट करना है पैदल। ओ भाई बहुत खड़ी पहाड़ी है, ओए अब क्या रास्ता बना है, ओए ये इतना ऊंचा रास्ता। सो गाइस फाइनली हमने चलना स्टार्ट कर दिया यहाँ ऊपर ऊपर। तो जाग तो पीछे रह गए थे, शुक्र है ये पहुँच गए हैं, नहीं तो हम इनकी बहुत टेंशन हो जानी थी। शुक्रिया पहुंचने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी पहुंचो आओ। चेक करो नज़ारा, यहाँ पे वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा पानी है यहाँ पे। वो सामने था पुराना वाला रास्ता, ये है अब नया रास्ता। वो वाला बह गया क्योंकि लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, फ्लड के हुआ था, और अब ये रास्ता नया।
रास्ता काफ़ी ज़्यादा पहले से मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि पहले से ज़्यादा शॉर्ट हुआ है। यहाँ से पहले हम कुछ राइट जाया कर रहे हैं, बहुत सारा पूरा बह गया है, इस वजह से अब ये शॉर्ट रास्ता है। ये देखो पानी, चिनाब दरिया, सोचते चिनाब रिवर हैं डोडा सा खाने के लिए। हम पहुँच गए चिशोती, तो अभी हम बस पेट पूजा कर लगे हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। अभी तक हम 10 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी और भी बाकी है। ये रास्ता अब नया बना है, पहले वाला रास्ता ऊपर हुआ करता था। बस थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। देखो वाटरफॉल, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भवन, वो सामने जो दिख रही है बिल्डिंग वो भवन है, बस उस तक पहुंचना है। ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, भवन का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। वो पीछे है भवन और ये है पुल, इस ब्रिज को क्रॉस करना है हमने। तो ये है टेंट, यहाँ पे आपको टेंट मिल जाएंगे। ये रास्ता जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं मेरे फ्रेंड, सारे आगे वो निकल गए हैं, थोड़ी टांगों में दर्द निकल रही है, चले चलाने जा रहा। वीडियो बना रहा हूँ भाई, ब्लॉग बनाना ना, मैं ब्लॉग में डालनी है। यहाँ का व्यू एकदम मस्त है, और ये रहा भवन सेंटर में, और यहाँ पे है पहाड़ी जिसे बोलते हैं नीलमणि पहाड़ी, वो सामने यहाँ पे शिव जी के दर्शन होते हैं रात को, और वहाँ पे शेर के जो ऊपर पहाड़ी है ना, इधर शेर के दर्शन होते हैं। तो हम फाइनली लाइन पर खड़े हो गए हैं माता के दर्शन करने के लिए। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लगता है 1-1.5 घंटा यहीं पे लगेगा आज हमें। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस बार बहुत ज़्यादा यात्री आए हैं। तो भाई आगे लाइन तो दुनिया के बढ़ ही नहीं, हम फंसे हुए हैं किसी तरीके से। अभी हम तीसरी लाइन पर पहुँच गए हैं, इतना रश है ना क्या ही बताऊँ। निकल रहे हैं हम वापस गुलाबगढ़ के लिए, तो माता रानी हसन हमें वापस बुलाए। ये मेरा भाई खड़ा है यहाँ पे, देखो एक्शन फिगर बना के बाय बाय करने के लिए सभी को। सो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नीचे जाके।